So you had a dream for a very long time कि सुपर बाइक बाय करनी है, but before buying a super bike, I want to tell you something, जो I wish कि कोई मुझे बताता जब मैं सुपर बाइक बाय कर रहा था। So after buying a super bike, आपके दो ही गोल होने चाहिए। First ये कि एक्सीडेंट नहीं करना और second ये कि जिंदा रहना है। Obviously 70 और 125 पे एक्सीडेंट इतना मैटर नहीं करता। मैक्सिमम स्पीड 70 या 80 होती है और वो भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम कट मार के निकल जाते हो। बट ऑन सुपर बाइक इट कॉस्ट यू एवरीथिंग। ऑन योर बैड डे इट कैन कॉस्ट यू योर लाइफ, एंड ऑन योर लकी डे आपकी सुपर बाइक तो जाएगी ही जाएगी, बट आपकी ब्रोकन बोन्स आपको हमेशा याद करवाएंगे कि कभी आपने सुपर बाइक ली थी। So here I have some tips to avoid accident as much as possible. See ya, see ya, see ya, be gone. See ya. क्या बात है सर, पर भाई की जो शशके है ना, आई डोंट नो कि लोग मोटर भी लोग किस तरह करते हैं। आफ्टर सीटिंग ऑन मोटर बाइक आप सब भूल जाते हो, यू गो इनटू अनदर जोन। सो या दिस इज कमिंग बैक इन मी Never ever chase another bike, चाहे वो आपकी 125 हो, 70 हो, कोई भी हो। आपके fellow bikers भी हो सकते हैं। अपनी ego को side पे रख के आपने हमेशा जो आप कह रहे हैं उस पे focus करना है, ना कि आप ये कहें कि यार ये अगर मैं 150 पे जा रहा हूँ तो इसने मुझे क्रॉस कैसे मार दी, ये मैं 200 पे जा रहा हूँ इसने मुझे क्रॉस कैसे मार दिया। भाई वो अपनी मशीन को समझ के अपने हिसाब से जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता सामने कुछ आ जाता है तो उसको पता है कि मैंने मूव अराउंड कैसे करना है, बट आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसके पीछे जा रहे हो। अगर कोई चीज आती है देन यू डोंट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। मे बी हो सकता है उसकी बाइक का इतना वेट ना हो, उसको हैंडलिंग का पता और वो कट मार के निकल जाए, बट यू हैव टू ब्रेक, और उस चक्कर के अंदर एक्सीडेंट पैच आ गया। मोटर व्लॉग कर रहे था लेकिन जब बंदा पैच देखते है ना तो यार एज अ बाइकर यू नो जो भगाने की ठरक है ना, आप कहते तो पैच मिस नहीं करना, जिस काम से है वो काम मिस हो जाए, पैच मिस नहीं होना चाहिए। सबसे आपको मैं खतरनाक चीज बता रहा हूँ, एज अ बाइकर ऑलवेज मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। जो सामने गाड़ी जा रही है कभी भी इस तरह नहीं रहना, आपकी बाइक की जो ब्रेक्स है आप उसको कंपेयर ही नहीं कर सकते गाड़ी के साथ। गाड़ी के अंदर ABS होते हैं, चार टायर है, ट्रैक्शन गाड़ी भाई ग्रिप कर लेती है। अब अगर मैं इसके गाड़ी के सामने जा रहा हूँ, देखिए इसके ब्लैक पेपर है बैग पे, मुझे नहीं पता इसके सामने क्या है, हो सकता है इसके सामने कोई अचानक से ऑब्स्टिकल आ जाए और इसको ब्रेक मारनी पड़ जाए। जो एक्सीडेंट है उनको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप गाड़ियों से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। तो बाइक को आपने जो हमेशा क्लियर लाइन में रखना है, इवन के ये चिंची वाला भी ब्रेक लगा सकता है और आई कैन गेट इनटू द एक्सीडेंट। हो सकता है सिविक वाला लोना आपको आगे टक्कर दे रहा है क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे पास सिविक है और वो भाई बड़ी है तेज, ठीक है, उसको नहीं पता कि सुपर बाइक के अंदर क्या हॉर्स पावर है, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। और भाई साहब आपको कोई जरूरत नहीं है उसे प्रूव करने की कि भाई मेरी बाइक क्या है। सो नेवर एवर रेस विद अ कार बॉय, चाहे उसके पास फरारी हो, लैम्बो, जो मर्जी गाड़ी हो, भाई आपने उसको हैंड साइन कर दे यार जा निकल जा,
या सिमरन जी ले जिंदगी अपनी। कभी भी राइडिंग के वक्त उसको अपने साथ ना लेके चले कि मेरे पास 600 सीसी बाइक है, मेरे पास 1000 है, मेरे पास इतनी बड़ी मशीन है, इतने हॉर्स पावर हैं, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। भाई आप कुछ भी नहीं करोगे, आप क्रैश कर जाओगे। अगर पहली बाइक आपकी सुपर बाइक है तो ये टिप आपके लिए काम नहीं करेगा। यू नो हाउ टू हैंडल अ वेट, हैंडल अ पावर, यू नो एवरीथिंग। सो भाई अगर आप पूरी जिंदगी 71 चलाते आए हो ना, तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दीज हैबिट्स जो आपने 125 और 70 पे सीखी है। उसके अंदर एक जो चीज करते हो आप, वो आप ऐसे कट मार के निकल जाते हो, वो फैसिलिटी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको लाइक दिस, ये देख रहे हैं, इस तरह आपको मनोवर करना पड़ेगा। I'm a rock star in real life. We was doing Grand Theft Autos, hitting licks, home invasions. It was a good night. Take the goods to the plug, then he bring us back by 2K. Feeling like a baller, see the Jordan on my shoelace. Newtown, stepping on buses, hopping on fences. अब अगर मैं 125 पे होता तो भाई यहाँ मैं दे धड़ाका अंदर कटिंग करता हुआ चला जाता। बाइक पे भी कटिंग होती है, लाइक सुपर बाइक पे भी आप कर सकते हो, बट इसके ऊपर आपको मनोवरिंग चाहिए। लाइक अगर मैं कहीं से बाइक को निकालना चाह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। लाइक अगर मुझे यहाँ से कट मारना है तो ये यू होगा, स्मूथनेस होगी, आप शार्प कट नहीं ले सकते। तो आपने बाइक लेनी है ना, यू हैव टू लर्न योर ब्रेक। आपकी जो 50% है ना, वो आपकी ब्रेकिंग आपने सीखनी है। R6 जो है इसकी ब्रेक्स बहुत हार्श है। लाइक आप अगर इसको ये करेंगे ना, तो ये बाइक पीछे से खड़ी हो जाएगी। 125 के अंदर आप ये पूरा पंजा यूं करके ब्रेक लगा रहे होते हो। ऑलवेज यूज योर वन फिंगर, ऑलवेज यूज योर वन फिंगर लाइक दिस। आपने इसके ऊपर रखनी है, ये आपने हैबिट बनानी है। नहीं, आपने ये आपकी 3 उंगलियां हराम है ब्रेक पे। रैम्बो ब्रेक थोड़ी स्टिफ होती हैं, तो उसके ऊपर मैक्सिमम 2 फिंगर्स रख सकते हो, नॉट मोर देन दैट। एक से परफेक्ट ब्रेकिंग होती है। लाइक आपने इसको हल्का सा टच करना है और बाइक स्टॉप हो जाएगी। मेरे साथ एक बहुत ही लीथल क्लोज कॉल हुई थी। हम लोग जा रहे थे ट्रैक पे, तो ये जितनी मिस्टेक्स आपको बताई हैं, ये मेरे वहाँ पे सारी अप्लाई की है। एक बाइकर था, इवन के वो था भी रेप्लिका, लाइक 400 रेप्लिका था। मैंने उसको चेस करना शुरू कर दिया, मैंने डाउन शिफ्ट किया, लाइक यू करके डाउन शिफ्ट किया और मैंने उसके पीछे रख दी। अच्छा, उसको जब मैं क्रॉस मारने लगा हूँ ना, लाइक मेरी स्पीड उस टाइम होगी 170 फुल स्पीड। लेकिन भाई साहब जो उसी स्पीड पे जा रहे होंगे, जैसे आपको बताया था नेवर चेज अनदर बाइक, तो तब आपको रियलाइज नहीं होता कि भाई आप किस स्पीड पे पहुंच गए और वो बंदा उसी स्पीड पे जा रहा है। तब व्हेन शिट हिट्स द फैन, तब आपको रियलाइज होता है कि भाई पुठे कमे च पै गया। भाई सिंगल रोड और सामने से एक ट्रक आ रहा है, तो उस ट्रक के पीछे एक और ट्रक है जो उसको ओवरटेक करके आगे आ रहा है। तो अब मैं यहाँ हूँ ना, अगर मैं इसको बाइक को यहाँ रखता हूँ जिस तरह 170-180 में जा रहा हूँ, तो उसको स्लो डाउन करते हुए ना मैं ट्रक में क्रैश कर जाऊंगा। उसको भी निकलते हुए टाइम लगेगा, अपनी लाइन पे आते हुए। तो वो जो ट्रक था वो ओवरटेक करता हुआ इस लाइन पे आ गया। और पता उस टाइम पे मैंने क्या किया है, फुल्ली इमरजेंसी ब्रेकिंग मैंने किस तरह की है, मैंने बाइक को डाउन शिफ्ट किया है, मैंने पूरा पंजा पकड़ा और दबा दिया। ओह शिट। और ब्रेक मन पे साथ ही ना, बाइक मुझे फील हुई है कि भाई बाइक अगले टायर पे पूरी खड़ी हो गई है। अपने जो हाथ थे ना, वो मैं यूं करने लगा था कि बस भाई मैं अपना बाइक से गिरने लगा हूं। मैंने लीवर छोड़ा, एक सेकंड का था, अगर मैं एक सेकंड भी इसको होल्ड करके रखता क्रैश कर जाता। जब मैंने बाइक की ब्रेक को जैसे ही छोड़ा, तो बाइक पीछे से एक दफा नीचे आई और मेरी बाइक यूं हुई है। एक दफा अगेन मैंने सेकंड टाइम पूरे हाथ से माशाल्लाह से दबाई है ब्रेक। जब मैंने सेकेंड टाइम ब्रेक दबाई है ना, और 90 डिग्री पे बाइक पीछे पूरी सी खड़ी हो गई है, बाइक फिर नीचे आई और बाइक फिर इस तरह से शेक हुई है। ओह माय गॉड, मैंने कहा यार ये आज भाई सब हबीब सब टूंगे जाएंगे। उसके बाद भाई मैंने ब्रेक को टच नहीं की। अगर मेरी बाइक थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट पे होती, मैं बहुत ही गंदा क्रैश करता। Popping, grinding like ain't no option. Throwing assist to all my homies, bitch. I feel like John Stockton. Every week I stay dropping, bitch. I stay consistent. You ain't hurt the blind, lead the blind, but I got. मौत को छूकर टक्कर के वापस आने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी हो जाए, कुछ रूल्स को हमेशा फॉलो करूंगा, जिनमें से कुछ रूल्स आपको मैंने बताए हैं, एंड होपफुली आप भी उन पर अमल करेंगे। दिस इज अबीब खान, ओवर एंड आउट।
Look, I ain't turning down to nothing. Bitch, hit me the crown or something. Unit full of G's back when Lloyd Banks told me how to stun it. Pops was slinging, yeah, yo, he was getting to the bucks, but I ain't had 50 cents. Now my statement's in the plus. Fuck the brakes, I hit the thrust. Oh, bola tha yaar, rules ko follow karne ka. Some of these days I get too stuck in the ways. Blame it how I was raised, so she get it displayed.